नमस्कार, हिमाचल वायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और बुक रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो बुक रिव्यू है ना, उस किताब के अंदर अटल जी है, द अनटोल्ड वाजपेयी। उल्लेख एनपी ने लिखी है, किताब अच्छी लिखी है। जाहिर है अटल जी पे किताब लिख रहे हैं, बहुत अच्छी पॉलिटिकल नॉलेज होगी उनको, अच्छे से चीजें लिखी है। अब किस तरह पिरोया है, ऐसे नहीं कि पहले उनकी फैमिली हिस्ट्री दे दी या फिर पहले उनके पर्सनल चीजों के बारे में बात कर ली, जिस तरह उनकी जिंदगी चलती रही, हर एक डिटेल भी नहीं है उसमें, मैं ये कहूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अटल जी अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक चैप्टर है। अब एक किताब में अटल जी को समेट लेना ये मुमकिन नहीं है, तो वो नहीं हो पाया, पर जो भी लिखा है वो काबिले तारीफ है, अच्छा है। अटल जी से एक बार फिर रिलेट करके अच्छा लगा। अब इस स्टेटमेंट से आप समझ लीजिएगा कि एक पर्सनल टच है अटल जी के बारे में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वो इंसान जो पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे और पूरा 5 साल का टर्म निभाने का मौका मिला उन्हें। अब चाहे वो पहले 13 दिन और फिर 13 महीने के बाद मिला, पर 5 साल उन्होंने निभाए और अच्छे निभाए, बहुत बढ़िया। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो इंसान जिनके बारे में माना तो ये जाता था कि आरएसएस की नर्सरी से वो हैं, लेकिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े फैन थे, एडमायरर थे, या उनको बहुत पसंद करते थे। एक किस्सा है कि जब वो पार्लियामेंट में चुने गए और एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अटल जी कैसा लग रहा है, तो अटल जी के आंखों में आंसू थे और अटल जी ने जवाब दिया, ये वही ऑफिस है जिसमें पंडित जी बैठा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो इंसान जिनको आरएसएस का पूरा सपोर्ट था, वो आरएसएस से थे ही, बीजेपी को जिन्होंने हेड किया लेकिन अपनी जिंदगी को जीना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पार्टी के रूल्स और रेगुलेशंस और उनकी धारणाएं, उनकी क्या सोच है, उसको अपनी पर्सनल जिंदगी पे बिल्कुल लिया ही नहीं। आप सोचिए, आज से 50 दशक से ज्यादा पीछे चले जाइए, तब उस वक्त की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी को राजकुमारी नाम की एक लड़की से, राजकुमारी कॉल से प्यार होता है, शादी नहीं होती दोनों की, राजकुमारी कॉल की शादी किसी और से होती है। अटल बिहारी वाजपेयी, राजकुमारी कॉल, उनके पति, उनके बच्चे सब साथ में रहे हमेशा। राजकुमारी कॉल उनकी जिंदगी की राधा थी। पॉलिटिकल सर्कल्स में ये सबको पता था, पर मजाल है कि कोई उनके बारे में कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर सके। 50 दशक से ज्यादा पीछे जाइए, ये मैंने आपको इसलिए बोला कि आप समझें कि ये वो दौर था, और आज के दौर में भी अगर ये बात होती है तो एक बार इंसान सोचता है कि अच्छा ये कैसे पॉसिबल है। अटल जी ने ये पॉसिबल किया। एक बार किसी ने अटल जी को कह दिया था कि आप अटल हैं, अटल जी ने अपने अंदाज में कहा कि अटल तो हूं, साथ में बिहारी भी हूं। डंके की चोट पे ये बोला कि बैचलर हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं। शायरी का शौक, खाने पीने का शौक, अपने ड्रिंक्स का शौक, अटल जी आराम से अपनी जिंदगी जीते थे। तभी मैंने आपसे कहा कि कर्म स्थली और निजी जीवन को उन्होंने अलग रखा, दोनों के मजे लिए और पूरी तरह से जिया। हर स्थिति में, हर जगह में वो उत्तीर्ण ही नहीं रहे, बहुत कामयाब भी रहे। ऐसा भी नहीं कि अटल जी हमेशा से ही आरएसएस के मेंबर रहे। आरएसएस के साथ उन्होंने अपनी शुरुआत जरूर करी, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब अटल जी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन पार्टी के मेंबर बन गए, जिसकी मदर पार्टी है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। थोड़े टाइम के लिए ही उसके मेंबर रहे, फिर आरएसएस में वापस जरूर आ गए थे, पर उन्होंने ऐसा भी किया। अटल जी का जन्म मुरीना ग्वालियर में हुआ, 25 दिसंबर 1924 में। माता पिता दोनों का ही पहला नाम कृष्णा था, कृष्णा देवी और कृष्णा बिहारी। पिता स्कूल के प्रिंसिपल थे, अटल जी भी वहीं पे पढ़ते थे।
इनसे जो बड़े भाई थे उनका नाम प्रेम था। शुरुआती कुछ सालों में ही पिता ने ये जान लिया था कि मेरे दोनों बेटों का झुकाव राजनीति की तरफ है। पिता भी शायरी किया करते थे, अटल जी को भी शायरी का बहुत ज्यादा शौक था। अटल जी की जिंदगी का बड़ा हिस्सा राजकुमारी कौल और उनके परिवार के साथ बीता। राजकुमारी कौल की छोटी बेटी नमिता को अटल जी ने गोद ले लिया था, वो इनकी लाडली थी, आंखों का तारा ऐसा बोला जाता है, ये इस किताब में लिखा है। अटल जी को नाम याद नहीं रहा करते थे, अक्सर नाम भूल जाया करते थे। नमिता को भी नम्रता बुला देते थे। और नमिता के पति जिनका नाम राजन भट्टाचार्य है, उनको कभी बंगाली बाबू या कभी मुखर्जी भाई बुलाते थे। ये जो किताब है ये 15 मई 1996 से शुरू होती है। इलेक्शंस हुए थे और किसी भी पार्टी को इतनी बहुमत नहीं मिली थी कि वो पूर्ण तरह से सरकार बनाने का दावा रख सके। तो किताब में यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी अपने ड्राइवर पियून और राजन भट्टाचार्य जो उनके दामाद है उनके साथ रायसाना हिल्स की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा से मिलने के लिए उन्हें बुलाया गया है। इस समय बीजेपी को 161 सीट्स मिली थी और कांग्रेस 140 में निपट गई थी। किताब में एक वो भी टाइम याद किया गया है जब बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था, हम दो हमारे दो। अब बीजेपी जीती तो नहीं थी पूर्ण तरह से, लेकिन कांग्रेस उनसे कम सीटों पे सिमट गई थी। इन इलेक्शंस के रिजल्ट आने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर मेरी पार्टी को 220 से 225 सीटें नहीं आती तो मैं सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा। लेकिन राजनीति है, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स मिली थी, तो क्या हुआ अगर वो बहुमत बनाने के काबिल उस वक्त नहीं थी। एक कोलिजन गवर्नमेंट बनने वाली थी, पर फिर भी उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए अटल जी बंगाली बाबू को कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा बंगाली बाबू। खैर ये हम सब जानते हैं कि उनको वहां पे बुलाया गया। प्रेसिडेंट उनको इतना पसंद करते थे कि स्वेयरिंग इन सेरेमनी का टाइम और डेट भी उन्हें बता दिया गया। एक कोलिजन गवर्नमेंट बनी जो बहुत ज्यादा नहीं चल पाई। राजनीति के खेल है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। इस किताब में कुछ बातें लिखी हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अटल जी को आप राजनीति का शातिर खिलाड़ी कह लें या एक ऐसा नेता कह लें जिसको हर पार्टी के लोग पसंद करते थे। उनकी पर्सनालिटी सिर्फ बीजेपी की नहीं थी, वो उतने ही कांग्रेस और बाकी सारी पार्टीज के पसंदीदा थे जितनी अपनी पार्टी के। इस किताब में से अटल जी की जिंदगी का वो पहला किस्सा आपको बताती हूँ जिससे हम ये मान सकते हैं कि राजनीति में या फिर पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई या फिर उनको एक धक्का लगा उसकी तरफ। पिताजी जानते थे कि मेरे दोनों बेटे प्रेम और अटल राजनीति की तरफ झुक रहे हैं, पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट हो रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम था, गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी मेरा साथ दें। पुणे में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट होने से पहले गांधी जी ने कहा, ये मरो या करो का वक्त है, इस मूवमेंट को आप छोड़ना नहीं। पिताजी ने पहले ही अपने दोनों बेटों को अपने पुरखों के गांव बतेश्वर जो उत्तर प्रदेश में है वहां भेज दिया गया था। पूरा देश संपूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहा था। बतेश्वर में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, दोनों भाई वहां पे पहुंच गए, पुलिस वहां पे पहुंची कुछ और लोगों के साथ, दोनों भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये 1942 की बात है। किताब में अटल जी की एग्जैक्ट एज उस वक्त नहीं बताई जा सकती क्योंकि किताब में ये माना गया है कि उनके पिता ने कुछ और एज उनके कागजों पे लिखवाई थी, पर अटल जी की शायद कुछ और उम्र थी, तो हम मानते हैं कि 16 से 18 साल के बीच में अटल जी रहे होंगे। ये किस्सा 1971 तक चला। आरएसएस हमेशा ये बताने की कोशिश करती रही कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा ले चुके हैं। और बहुत सारी जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोग जो ये जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, उन्होंने खोजबीन करके ये निकाला कि उस वक्त अटल जी शायद सरकारी गवाह बन गए थे।
उनसे उर्दू में एक चिट्ठी साइन करवाई गई थी, उर्दू उन्हें पढ़नी नहीं आती थी, उसमें उनका पिता का नाम गौरी शंकर लिखा था। अटल जी ने बहुत बार ये क्लियर किया कि मैं वहां पे था पर मैंने कुछ किया नहीं था, मैं और मेरा भाई सामने से उस प्रोटेस्ट को नहीं लीड कर रहे थे, हम सिर्फ वहां पर थे। उस चिट्ठी में, जो उर्दू में चिट्ठी लिखवाई गई थी, मैंने आपको बताया, उसमें अटल जी के पिता का नाम गौरी शंकर लिखा गया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो चिट्ठी ही गलत है, इनके पिता का नाम तो कृष्णा बिहारी वाजपेयी है। पर अटल जी ने ये बोला कि गांव के लोग और बहुत सारे लोग प्यार से पिताजी को गौरी शंकर बुलाते थे, तो नाम वहीं से उन्होंने ले लिया होगा, किसी से पूछा होगा, पर मैंने किसी के खिलाफ गवाही नहीं दी। उस वक्त जेल में जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये टेस्टिफाई भी किया कि दोनों भाइयों को उस वक्त बुलाया गया था गवाही देने के लिए, पर अटल जी ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला और ना ही किसी को पहचाना। तो देखिए, ये भी बातें होती हैं कि किससे होते हैं कभी जिंदगी में और कब तक उसका असर रहता है। 1953 में अटल बिहारी वाजपेयी फुल टाइम मेंबर बने थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था ABVP। वाजपेयी जी कमाल के ओरेटर ही नहीं थे, वो एक लिबरल थे। रूढ़िवादी सोच में वो बंधे नहीं थे, नई चीजों को सीखना चाहते थे, करना चाहते थे और वो करने से डरते नहीं थे। वाजपेयी जी का जो पॉलिटिकल सफर रहा, राजनीतिक यात्रा, वो बहुत मुश्किल नहीं रही शुरुआती दौर में, क्योंकि जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी उसके एक साल बाद ही उन्हें लोकसभा चुनाव में लड़ने का मौका मिला। मैंने आपको बताया कि 1953 में वो ABVP के फुल टाइम मेंबर बन गए थे, 1955 में ही वो लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए थे, तीसरे नंबर पे आए थे, लेकिन पहली दफा के लिए लोकसभा सीट में 28% वोट शेयर जीते थे वाजपेयी। 1957 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का उनको मौका मिला, इस बार 3 जगह से नामांकन दाखिल किया गया, बलरामपुर, लखनऊ और मथुरा। बलरामपुर से जीते, लखनऊ से दूसरे नंबर पे आए और मथुरा में जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन पार्लियामेंट पहुंच गए, पार्लियामेंट में तेज तरार वाजपेयी, बोलने का अंदाज बहुत जबरदस्त, उनका हिंदी में बात करने का अंदाज इतना बढ़िया था कि कहते हैं कि नेहरू जी भी इम्प्रेस होकर कई स्पीचेस हिंदी में देने लगे थे। नेहरू जी को ये समझ थी कि इस लड़के में हौसला भी है और ऊंचाइयां छूने की ताकत भी, राजनीति के आसमान में ये जरूर चमकेगा। एक बार जब वाजपेयी जी ने नेहरू जी को ये कह दिया कि आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, आप चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी, नेहरू जी ने कुछ कहा नहीं अटल जी को। कहा जाता है कि इसके बाद कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए थे, नेहरू जी ने अटल जी को बुलाया और उन डेलीगेट से उन्हें मिलाया, मिलाते हुए उन्होंने कहा कि ये लड़का किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया का, और अपने एक सेक्रेटरी को भी खास हिदायत दी हुई थी कि अटल जी का खास ध्यान रखा जाए। ये रिलेशंस थे अटल बिहारी वाजपेयी के सभी नेताओं के साथ। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के कुछ काले धब्बों में से एक है इमरजेंसी की घटना। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी हारी और अटल बिहारी वाजपेयी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तो अटल जी उनके घर गए और उन्होंने बोला, आपके और आपके परिवार के अगेंस्ट पॉलिटिकल लाइन से कोई रिवेंज नहीं लिया जाएगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसी कोई स्टेटमेंट देगा जिससे लोगों का गुस्सा भड़के, ना ही आपसे कोई बदला लिया जाएगा। तभी वाजपेयी के लिए बार बार कहा जाता है कि वो जानते थे कि कर्म भूमि और पर्सनल जिंदगी दो अलग चीजें हैं। हालांकि इमरजेंसी के टाइम की एक बात यह है कि सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, अटल जी को भी बैंगलोर में जेल में डाला गया। जब उनके वकील उनसे मिलने पहुंचे और उनको जेल के कपड़ों में देखा, तो उसने पूछा कि अटल जी ये क्या हो गया। अटल जी ने मुस्कुराकर कहा कि अब से इंदिरा गांधी ही मेरे कपड़ों का खर्च देगी और मेरे खाने का खर्च देंगी, मैं अपनी जेब से एक पैसा नहीं खर्चने वाला। इमरजेंसी का समय अटल जी के लिए खासकर बहुत मुश्किल था। अडवाणी जी के साथ वो जेल शेयर कर रहे थे, कुछ समय बाद उनकी पीठ में दर्द होने लगी, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम पहले भी थी। एक दिन खाना खाने के बाद अचानक उनके पेट में बहुत जोर से दर्द उठा, हॉस्पिटल ले जाया गया, फटाफट उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अटल जी की हालत में सुधार नहीं आ रहा था, हालत बिगड़ती ही जा रही थी।
फिर डॉक्टर्स ने और टेस्ट किए तो पता चला कि अटल जी को तो अपेंडिक्स था ही नहीं, ये तो ऑपरेशन गलत कर दिया गया, उनको तो टाइफॉइड है। किताब में लिखा है कि जब इस बात का पता इंदिरा गांधी को चला तो इंदिरा जी ने एकदम अटल जी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में शिफ्ट करवाया। 5th फ्लोर पे उनका कमरा था और कभी कभार राजकुमारी कौल, उनकी बेटियां, उन सबको भी उनसे मिलने दिया जाता था। इमरजेंसी हटाई गई, दोबारा इलेक्शन होने थे। जेपी ने कहा कि सारी पार्टियों को इकट्ठा होना होगा कांग्रेस को गिराने के लिए। जनता पार्टी बनी, रामलीला मैदान में ऑपोजिशन की ये रैली होनी थी। उसी दिन संजय गांधी ने राज कपूर की हिट फिल्म बॉबी, जिसमें डिंपल कपाड़िया थी, ऋषि कपूर थे, उसको टीवी पे प्रीमियर करवाने की बात कही। हुई भी, लेकिन ऑपोजिशन की रैली में अटल जी थे। ऑपोजिशन की रैली के खिलाफ सिर्फ बॉबी पिक्चर ही नहीं थी, मौसम भी था, बारिश होने लगी थी, लेकिन 9 बजे के करीब लोग इकट्ठे होने लगे। कुछ लोग बोले और फिर अटल जी की बारी आई। हाथों को हवा में उठाकर उन्होंने सभी को नमस्कार किया। अटल जी जिंदाबाद, अटल जी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। अपने अंदाज में अटल जी हल्के से मुस्कुराए, आंखें बंद करी और पहली बात बोली, बड़े मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने। और इसके बाद पॉज था, पूरा रामलीला ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। जब तालियां थमी तब अटल जी ने फिर से उसी अंदाज में कहा, कहने सुनने तो बहुत है अफसाने, और फिर रुके। फिर से तालियों की गड़गड़ाहट हुई और फिर अटल जी बोले, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। हिस्ट्री कहती है कि ऑपोजिशन की वो रैली बहुत सक्सेसफुल रही, बॉबी फेल हो गई और बारिश का भी कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने जनता पार्टी को इतना प्यार दिया कि 345 सीट्स लेकर आराम से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अटल जी इस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने। देखिए, कोई भी इंसान पूरी तरह से परछाइयों से अनछुआ नहीं होता। अटल जी के करियर की भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इस किताब में लिखी गई हैं। जैसे 1983 में आसाम इलेक्शंस के टाइम में बांग्लादेशियों का मुद्दा बहुत बड़ा था। उस वक्त अटल जी ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद तकरीबन 2000 मुसलमानों का कत्लेआम हो गया था। उन्होंने कहा था कि जैसी बांग्लादेशियों की दिक्कत आसाम में हो रही है, अगर कहीं पंजाब में हुई होती तो उनको टुकड़ों में काट दिया गया होता। कहते हैं कि बीजेपी ने भी उसके बाद इस स्टेटमेंट से और उनकी इस स्पीच से खुद को अलग कर लिया था। और इस किताब में लिखा है कि एक ऐसी रिकॉर्डिंग बाबरी मस्जिद ढहने से एक दिन पहले अटल जी की किसी ने की थी, अगर वो लीक हो जाती है तो उस टाइम का सबसे बड़ा स्कैंडल होता। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसान भी थे और राजनेता भी। जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो एक देश में विजिट कर रहे थे जो बहुत ही ठंडा था, तो उन्होंने देखा कि इंडियन एम्बेसी में जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं उनको नींबू पानी सर्व किया जा रहा है। अटल जी ने वहीं पे उसे रोका, उन्होंने कहा, इस सर्दी के मौसम में तो नींबू पानी दे रहे हो, इन्हें वाइन सर्व करो। तो वो किसी रिजिड मेंटालिटी में नहीं फंसे हुए थे, वो एंजॉय करते थे। ये भी कहा जाता है कि जब वो अमेरिका जाते थे तो वो अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी लेकर घूमने जाया करते थे, आइसक्रीम खिलाते थे उन्हें, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते थे उनको, अपनी बेटी नमिता के लिए शॉपिंग करते थे। उनके पास 2 कुत्ते थे, सासी और सोफी, और एक बिल्ली जिसका नाम ऋतु रखा था उन्होंने, उनके लिए चीजें लिया करते थे। राजकुमारी कौल की बड़ी बेटी जो अमेरिका में रहती है उनसे मिलते थे। एक बार ग्रैंड कैनियन देखने गए, डिज्नीलैंड देखने गए, तो उसका खास तरह से बताया गया है कि जो उनके साथ में थे वो बताते हैं, पेशेंटली लाइन में खड़े हुए, बच्चों की तरह हर एक राइड को एंजॉय किया। इंसान जिंदगी जीता रहे तो बेहतर बनता ही रहता है। जहाँ पे हम लोगों की सोच के खुद को रोक देते हैं ना, वही जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। और शायद अटल बिहारी वाजपेयी इसीलिए इतने महान राजनेता बन पाए क्योंकि वो जिंदगी जीते रहे। 599 रुपए की किताब है, मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि अटल जी तो आपकी लाइब्रेरी में होने ही चाहिए। और ये किताब
बड़ी खूबसूरत है। हर छोटा छोटा किस्सा एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती, जितना हो सकता है उतनी कोशिश करती हूँ। आप पढ़ेंगे तो इज्जत और प्यार दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये था बुक रिव्यू द अनटोल्ड वाजपेयी का, मेरा ट्रिब्यूट अटल जी के लिए। थैंक यू सो मच हमारी हिस्ट्री का पार्ट बनने के लिए, और जो खूबसूरत जिंदगी आपने जी है उसको हमें भी दिखाने के लिए। थैंक यू।